नमस्कार दोस्तों। तो राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि ये CPF क्या कहलाता है और कैसे उसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे हम CPF नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों CPF जो है वो एक ब्राजीलियन टैक्स पेयर नंबर है, टैक्स पेयर रजिस्ट्री है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में होता है पैन कार्ड, और मे बी हम USA में शायद बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो ऐसा कुछ है वो। तो हम USA तक नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया में जैसे हमारे पास होता है पैन कार्ड, तो वैसे ही पैन कार्ड की तरह यहाँ ब्राज़ील में होता है CPF। तो CPF का दोस्तों फुल फॉर्म हो गया है कदास्त्रो दे पसुआस फिजिकस। ठीक है, तो ये हो गया फुल फॉर्म। इसका मतलब है जो टैक्स पेयर रजिस्ट्री है वो नंबर हमें मिल जाता है, और वो नंबर बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपको ब्राज़ील में रहना है या कुछ भी काम करना है तो CPF नंबर होना ही चाहिए। और CPF जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आपको कोई कॉलेज में एडमिशन लेना पढ़ने आ रहे हो आप, तो CPF नंबर चाहिए। आपको वीज़ा लेने के लिए CPF नहीं लगेगा, वीज़ा मिलने के बाद यहाँ आके जब आप वो प्रोसेस करोगे, एडमिशन लोगे, ये वो करोगे, तो यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में लगता है। उसके बाद बैंक अकाउंट खोलना है, अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है, आपको CPF देते हो तो आपको फिर वो लोग रिसिप्ट प्रॉपर देते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भाई डॉलर है एक्सचेंज कराओगे आप, तो अब ऑब्वियसली डॉलर आप एक्सचेंज कराओगे तो ऐसे ही डायरेक्ट मत कराना, क्योंकि वो लोग दे देते हैं थोड़ा हाइयर रेट देके ऐसे ही कर देंगे। नहीं, प्रॉपर रिसिप्ट लेना। फिर आप कहोगे हमें रिसिप्ट चाहिए, तो वो कहेंगे सर आपका CPF नंबर, तो ये यहाँ CPF आ जाता है। अगर आपको मोबाइल का कनेक्शन लेना है, सिम कार्ड खरीदना है, प्रीपेड भी खरीदना है, तो भी CPF लगेगा। तो CPF होना बहुत ज़रूरी है अगर ब्राज़ील में रहना है। ये कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ नहीं है। ये दो तरीके हैं इसे ऑब्टेन करने की, या तो ऑब्वियसली आप ब्राज़ील में हो, है ना, तो आप कर सकते हो, या फिर अगर आप इंडिया में रह कर भी कराना चाहते हो तो आपको एम्बेसी जो है, ब्राज़ीलियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो है दुनिया भर में, वो लोग भी इशू करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप CPF रखना चाहते हो साथ में, तो ये जो ब्राज़ील का जो कॉन्सुलेट है मुंबई में, उसकी मैं लिंक डाल रहा हूँ, उसमें प्रॉपर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे और वो सब दिया हुआ है, उसमें लिंक भी दी है उन लोगों ने। ठीक है, तो आप उस पे लिंक को क्लिक करोगे, रिसीटा फेडरल जो यहाँ का, जो ये समझ लो टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है बहुत बड़ा, उसमें ही सब आते हैं। कस्टम ड्यूटी भी भरनी है तो रिसीटा फेडरल को भरोगे आप। ठीक है, तो इनकम टैक्स से भी वो सब रिलेशन है, वही रिसीटा फेडरल जो है वो बहुत बड़ा टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, रिसीटा फेडरल ही आपको इशू करता है ये। तो जो रिसीटा फेडरल की लिंक है उसमें फॉर्म भरोगे, फॉर्म को प्रिंट करोगे, और पासपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट दिया है, पासपोर्ट और वो उसकी कॉपी वो लेके जाओगे, तो आपको मुंबई में जो ब्राज़ीलियन कॉन्सुलेट है वो भी आपको दे देगा। तो ये हो गया भाई, इंडिया में बैठ के भी आप CPF हासिल कर सकते हो, या अपने देश में जो जहाँ पे भी हो आप। अब ये ऑब्वियसली अगर कोई इंडिया से हासिल कर रहा है CPF, तो कुछ तो होगा, जैसे भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो बंदा भाई एडवोकेट या इमिग्रेशन लॉयर होगा उसका, या तो वो होगा कंसल्टेंट, कोई वो अकाउंटेंट्स होते हैं यहाँ पे, कंपनी खोलना हो तो ये अकाउंटेंट्स और लॉयर मिलके काम करते हैं, तो ये उनको देना होगा, फिर आप उनको दोगे, वो कंपनी खोलेंगे। ठीक है, तो वो बहुत पैसे लेते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। वो लोग जो लॉयर वॉयर हैं इमिग्रेशन के, भाई कंपनी खोलना, बिजनेस खोलना, पैसे बहुत लेते हैं, 15-20 हज़ार रियाल लेंगे वो, ऐसे ही कुछ होता है। तो ऑब्वियसली अगर कुछ आपको यहाँ करना है तो आप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हो ब्राज़ील में कि भाई मैं टूरिस्ट वीज़ा पे आया हूँ, शादी कर रहा हूँ, या वर्क वीज़ा लेके आ रहे हो आप, भाई नौकरी आपको मिल गई है, बहुत IT इंजीनियर कुछ हो आप, या फिर आप पढ़ने आ रहे हो, तो बहुत इजी तरीका है, आप ब्राज़ील में आ जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मैरिड हो यहाँ पे, तो आपको वो मिलेगा परमानेंसी, आपके पास वीज़ा है तो आपको आई कार्ड भी मिलेगा, वर्क वीज़ा है तो भी आई कार्ड मिलेगा, स्टूडेंट वीज़ा है तो भी आई कार्ड मिलेगा। तो ये आई कार्ड का इस्तेमाल करके आप बनवा सकते हो CPF। उसका क्या प्रोसेस है मैं वो भी बता देता हूँ, वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से एज अ टूरिस्ट भी बनवा सकते हो आप CPF, लेकिन उसके लिए वो सिर्फ पासपोर्ट लगेगा फिर। तो उसका अभी मैं प्रोसेस बता देता हूँ, जिनके पास ऑलरेडी कार्ड है, या तो टेम्परेरी वीज़ा है 1 साल का या 2 साल वाला, या फिर आपके पास परमानेंट वीज़ा है तो आई कार्ड है, तो आप वो आई कार्ड और अपना कुछ एड्रेस प्रूफ है। अब एड्रेस प्रूफ क्या है, अगर आप जिसके साथ रह रहे हो, फॉर एग्जांपल वाइफ है आपकी, गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, दोस्त है, आप उनका ही एड्रेस प्रूफ लेके चले जाओ, उनको लेके साथ में चले जाओ। कहाँ जाओगे, पोस्ट ऑफिस जाओगे, पोस्ट ऑफिस में बनाया जाता है, जो ब्राज़ीलियन लोग हैं ना उनका पोस्ट ऑफिस में ही बना के दे दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है।
ब्राजीलियन जो पोस्ट है उसका नाम ब्राजीलियन पोस्ट नहीं है, उसको बोलते हैं कोहेयोस, ठीक है। तो जो कोहेयोस है, ब्राजीलियन पोस्ट है, आप वहाँ जाओगे और उनको कहोगे कि भैया हमें CPF बनाना है फॉरेनर का, तो वो 7 रियाल लेंगे, सिर्फ 7 रियाल है उसका। तो आप उनको वो दोगे, अपना ID कार्ड दोगे, उसके बाद एड्रेस प्रूफ दिखाओगे, भाई ये है यहाँ रहता है, ठीक है। और बस उसके बाद वो आपको एक रिसिप्ट दे देंगे, जैसे हम अगर कुछ भी हम करते हैं तो रिसिप्ट मिलती है ना, अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो पतली सी रिसिप्ट मिलती है, वो रिसिप्ट लेके और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पर्सनल लेके आपको रिसीटा फेडरल जाना पड़ेगा, जो आपके एरिया में है, ठीक है। रिसीटा फेडरल कहाँ पे है वो भी मैं लिंक डाल रहा हूँ, उसको आप ओपन करोगे तो स्टेट वाइज लिस्ट है, स्टेट पे आप क्लिक, कौन से स्टेट में हो, रियो डी जेनेरियो में हो, साओ पाउलो में हो, और कोई स्टेट में हो, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसमें सिटीज़ के नाम आ जाएंगे, अपनी सिटी क्लिक करके आप देख लो कहाँ पे है रिसीटा फेडरल, ठीक है, वहाँ लिस्ट है सब, तो लिंक आप देख लो अगर आप ऑलरेडी ब्राज़ील में हो और बनाना चाहते हो तो। तो ये हो गया, फिर जब आप रिसीटा फेडरल जाओगे तो मैं भी वहाँ अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसमें वो CPF नंबर मांगने लगता है, तो बंदे के पास CPF नहीं है बनवाने जा रहा है तो वो कैसे अपॉइंटमेंट लेगा। तो ऐसा कुछ कुछ है क्योंकि ब्राज़ीलियन लोगों का CPF जो है वो पोस्ट ऑफिस में ही बन जाता है, ठीक है। और हमको अगर रिसीटा फेडरल में अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो अपॉइंटमेंट के लिए CPF नंबर मांगते हैं, तो कहाँ से लाओगे। तो आप डायरेक्ट जाओ वहाँ पर, उनको बोलो कि भाई फॉरेनर वाला केस है, सेम डे नहीं होगा तो वो आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे या कह देंगे आप इतने बजे आओ, तो आपको ले लेंगे वो। फिर जो रिसीटा फेडरल का जो ऑफिसर होता है वो आपको पूरे जो है वो बना के दे देगा, डिटेल सब सिस्टम में डालेंगे वो लोग, और कॉपी रखेंगे आपकी वो जो ID कार्ड की है, और आपको CPF दे देंगे। तो अभी CPF मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है, ये देख लीजिए, फ़ोटो आ गई है स्क्रीन पर, ये वाइट कलर का एक छोटा सा आइडेंटिटी कार्ड जैसा दिख रहा है आपको, उस पर लिखा है मिनिस्ट्रेरियो द फाजेंडा हेसेटा फेडरल, ये आप CPF का डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, उसमें नुमेरो लिखा है, नुमेरो मतलब नंबर होता है, ये 11 डिजिट का नंबर होता है, जैसे यहाँ लिखा है 123.456.789.10, ठीक है, तो 11 अंकों का नंबर होता है, नोम लिखा है वहाँ, नेम आ जाता है पर्सन का, नासीमेंटो मतलब आपकी भाई बर्थ डेट क्या है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, तो वो आ जाता है। और पीछे जो है आप QR कोड देख सकते हैं, तो ये जो QR कोड है, तो मोबाइल में QR स्कैनर सबके पास होता है, तो जब आप QR कोड को स्कैन करोगे मोबाइल में तो वो एक लिंक खोलेगा ब्राउज़र में, और रिसीटा फेडरल का साइट होगी उस पर आपका डिटेल आ जाएगा पूरा, कि हाँ भाई ये फ़ोटो है, ये बंदे का नाम है, और इतनी इतनी तारीख को इसने CPF में नाम डलवाया था, ठीक है, CPF कार्ड बनवाया था, तो ये आपके डिटेल आ जाएंगे, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कि भाई सच में हुआ है आपका, तो ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसमें और भी लिखा हुआ है कितनी तारीख को उन्होंने CPF बनाया है, उसकी भी डेट और टाइम लिखा रहेगा, लिखा हुआ है पीछे, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने देख लिया होगा कि कैसा है ये हमारा नया जो CPF है, ये एक पेपर ही होता है, पहले प्लास्टिक का CPF आता था, अभी वो प्लास्टिक का बंद हो गया है और पेपर ही देने लगे हैं वो लोग, आप पेपर वो लोग निकाल के देंगे, आप किसी भी शॉप पर ले जाके उसको लैमिनेट करा लो, तो ये हो गया, उसमें फ़ोटो नहीं रहती CPF पे, बाकी आपका नेम, CPF नंबर और डेट ऑफ बर्थ रहती है। तो ये था प्रोसेस CPF ऑब्टेन करने के लिए, लेने के लिए एक फॉरेनर को, ओके, एक फॉरेनर कैसे CPF ले सकता है अपने नेशन में बैठे, अपनी कंट्री में बैठे, या फिर ब्राज़ील में आने के बाद, ठीक है। तो जैसा बताया आपको, पोस्ट ऑफिस जाओगे, 7 रियाल्स पे करोगे, रिसिप्ट लोगे और सीधे रिसीटा फेडरल वहाँ आपका बना दिया जाएगा, और ये आप कहीं पे भी फिर यूज़ कर सकते हो, अगर आपको भाई प्रॉपर्टी ख़रीदना है, एडमिशन लेना है कॉलेज में, बैंक अकाउंट खोलना है, अगर आप जॉब करोगे, आपका जो कार्टेरा तो ट्रबालियो मैंने दिखाया था ना, वर्कर्स कार्ड, उसमें भी CPF नंबर लिखा रहता है, ठीक है, तो टैक्स वैक्स भरोगे फिर आप, तो ये सब है। तो आपको अगर बिजनेस करना है या कुछ भी करना है, अगर आप भाई कुछ सामान भी खरीदो, फॉर एग्जांपल भाई मैंने लैपटॉप ख़रीदा, तो लैपटॉप के बिल में भी CPF नंबर जाएगा वो, तो रिसीटा फेडरल के पास सारी जानकारी रहती है कि बंदे ने क्या ख़रीदा है और क्या कर रहा है, जो जो हमने टैक्स वैक्स सब पे किया, वो आपका CPF नंबर, वो रिसीटा फेडरल के पास सारी जानकारी जाती है, ओके। तो दोस्तों ये हो गया प्रोसेस CPF पाने का, CPF कैसे हम हासिल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। दोस्तों मैंने एक लिंक और डाली है डिस्क्रिप्शन में, वो रिसीटा फेडरल की है और जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो CPF बनाने के बारे में, ठीक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं एक बार,
तो ये तीन लिंक्स अटैच करिए, मुंबई कॉन्सुलेट की सीपीएफ और जनरल इंस्ट्रक्शंस और कहाँ कहाँ पे रिसीटा फेडरल के ऑफिस हैं ब्राज़ील की स्टेट्स में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।